संबल एक तरफ एनआरसी और सीएए का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था कि वहीं दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सीनियर सिटीजनों ने इकट्ठा होकर पूरे शहर में शांति बनाने की अपील की और दहशत में आए बंद दुकानदारों को समझाकर उनकी दुकानें खुलवाईं और गंगा जमनी तहसीब का प्रदर्शन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर किया। दोनों समुदाय के लोगों ने कहा कि जो लोग अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं उनका हमारा समाज बहिष्कार करेगा, अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल रविवार की छुट्टी होने के बावजूद भी बाजार खोलेंगे ताकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का संदेश जनहित में जाए। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, चतुर्थी जिंदाबाद, चतुर्थी की जनता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। संदेश देंगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से चंदौसी में कुछ घबराहट है, कुछ परेशानी है, दुकानें बंद हो रही हैं, लेकिन हम ये समझ जाते हैं कि कोई घबराहट नहीं है, कोई अफवाह नहीं फैली, कृपया सारी दुकानें खोली जाएं, क्योंकि चंदौसी में जो एकता दिखाई है हमारे हिंदू मुस्लिम समाज ने, वो एकता बनी रहनी चाहिए और पूरे संसार में हिंदू मुस्लिम एकता चंदौसी में जो है चांदी चंदौसी में है, कहीं नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में जो शांति है उस शांति को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि चंदौसी दुकानें सब खुलेंगी और लगातार पूरा बाजार हम सब लोग मिलकर रहेंगे और हम हमेशा से अमन शांति रही है। चंदौसी के लोग बधाई के पात्र रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे हैं और कुछ असामाजिक शैतानों ने नापाक प्रयास किया जिसे चंदौसी की जनता ने फेल कर दिया, उसे नाकामयाब कर दिया और आगे भी कोई शैतान हमारे इस नगर को बर्बाद करने या अमन को खतरा पैदा करने की कोशिश करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसका सामाजिक बहिष्कार करने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता। बाजार हमेशा की तरह अफवाहों पे ध्यान न दें, बाजार खोले रखें और अपना बाजार कल भी खोलने के प्रयास करें ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि शहर अमनो अमान के साथ है और हम सब लोग मिलकर रह रहे हैं, हमारे कोई इस तरह की बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक।